आपकी क्लास है आज की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर क्लास 28। इसके पहले हम लोग 27 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पीछे क्लास ना पढ़े हैं वो पीछे क्लास देख के आइए, यहाँ क्लास आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और इस क्लास से संबंधित पीडीएफ चाहिए आपको, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो www.globalitai.org पर जाके आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है। देखो, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, ऊर्जा मापी, ऊर्जा मीटर हमारा क्या है, एकीकृत इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, क्या है, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर किसका है एग्जाम्पल, आपका बताया, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। और ये क्या करता है, रजिस्टर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी को रजिस्टर्ड करता है, उसके पर उसके उस रेफरेंस में फिर हमको वैल्यू देता है। और जो आपके डिस्प्ले क्वांटिटी, इंडिकेटिंग क्वांटिटी, ये आपके कौन से होते हैं, जैसे डिस्प्ले क्वांटिटी होती, जैसे ही आपका कोई इनपुट देते हैं तो तुरंत डिस्प्ले हो जाता है, ये तुरंत डिस्प्ले नहीं होता, पहले रजिस्टर्ड करता है, फिर उसके रेफरेंस में, जैसे कि आपने कितने यूनिट बिजली कंज्यूम करी, उसके उसको जो है रजिस्टर्ड करता है, फिर बताता है कि आपका, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन आता है, मीटर चार्ज मीटर देखने आता है कि कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ कंज्यूम करी, तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपको रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है, आपने पिछले 24 आवर में या पिछले 20 डेज में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, तो क्या करता है, रजिस्टर्ड द क्वांटिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एनर्जी मीटर हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से बढ़ता है। हमने बताया था ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होता है आपका, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम तो किसी पोजीशन में रखो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में हमें जो लोड है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होना चाहिए। जैसे ये आपका पॉइंटर है और ये आपके इंडिकेटर है, संकेतक है, तो इसमें जब लोड होगा हमेशा नीचे की ओर होगा, और इसके अलावा और किसी दिशा में लोड रखेंगे तो फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई और इफेक्ट आ जाएगा उनके बीच में। तो यही चीज़ है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं ना लोड को हमेशा, तो इसलिए अब ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली हो, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर हो, कब हो, वर्टिकली हो या ऊर्ध्वाधर हो, ठीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली पोजिशन। अगर बोला हुआ होता स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम तो वहाँ पर आप जो है कौन सा करते, एनी पोजिशन, अगर स्प्रिंग कंट्रोल बोला हुआ था आप एनी पोजिशन कर सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो देखो, विच क्वांटिटी इज मेजर बाई एन इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम क्या मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं, ठीक, क्या मेजर करते हैं, पावर, शक्ति मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें, हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। हमेशा ध्यान देना, एनालॉग बोला है कि डिजिटल बोला है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में आपको एक्यूरेसी अधिक पाने के लिए उसका इनपुट इंपीडेंस हमेशा अधिक से अधिक रखना होगा, हाई इनपुट इंपीडेंस रखना होगा, क्या होगा, हाई इनपुट इंपीडेंस, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 mA विथ 1 mA मीटर। देखो, 10 mA मेजर करना है 1 mA के मीटर से, किसके, 1 mA के मीटर से। अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 1 mA के साथ 10 mA, 1 mA, यहाँ पे लिख लीजिए 1 mA, क्या दिया, 1 mA लिखा भी है, 1 mA, 10 mA, 1 mA मीटर के साथ 10 mA आपको मेजर करनी है। मापने के लिए आवश्यक शंट रेजिस्टेंस, आवश्यक शंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी कहते हैं अधूरा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें एक होता है आपका जो मीटर रेजिस्टेंस आरएम होगा, आरएम ये कितना होगा, 27 ओम, ये क्वेश्चन में मिसिंग है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी तक पूरी वैल्यू दिया नहीं था जिसे हम फार्मूला पुट करके वैल्यू निकाल सके। इसका राइट आंसर, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आरएम दिया हुआ है और आपको शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, आरसंट आपको फाइंड करना है, ठीक, आरसंट फाइंड करना है। तो आरसंट इक्वल टू क्या होता है आप सब जानते हैं, आरसंट इक्वल टू क्या होता है, आरएम अपान एम माइनस वन, ठीक, एम माइनस वन। अभी आपको क्या पता करनी, सबसे पहले एम पता करनी पड़ेगी, एम पता नहीं है, सर्किट आपकी इस तरीके बन जाएगी, कुछ सर्किट आपकी कुछ इस तरीके बन जाएगी, किस तरीके, इस तरीके बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, सर्किट आपकी कुछ इस तरीके बन जाएगी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 mA आ जाएगी ऊपर, और यहाँ से यहाँ देखिए 1 mA इधर चली जाएगी, इधर आ जाएगी 9 mA, इधर कितनी आ जाएगी 9 mA, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9 mA, यहाँ पे आ जाएगी
9 मिली एम्पियर, यहाँ पे 9 मिली एक एम्पियर इधर से मेजर हो जाएगी, 9 एम्पियर इधर से, टोटल आपकी यहाँ पे 10 मिली एम्पियर की बात करी है कि 10 मिली एम्पियर मेजर करना है 1 मिली एम्पियर के मीटर से। अब देखो आपको आरएम फाइंड है 27 ओम, आरएम कितना है 27 ओम। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लें, आई निकाल लें, वो एम निकाल लें, क्या निकाल लें, एम, एम इज्क्वल टू क्या होता है, एम इज्क्वल टू होता है आई अपान आई एम, आई अपान आई एम, आई अपान आई एम। तो जो आपकी मीटर करंट है वो कितनी है, वो क्या बोलते हैं आई एम, टोटल करंट आपकी कितनी है आई टी, आप टोटल करंट कितनी आई, ये कितनी है 10 है, और आई कितनी है 1 है, ठीक। आई एम, ओ आई कितनी है टोटल आपकी, टोटल करंट, ये आई को बोलते हैं टोटल करंट, इधर लिख देते हैं आई, जो आई है या आई टी ऊपर जो दिया हुआ, टोटल करंट कितनी है 10 मिली एम्पियर, कितनी गुजर रही है 1 मिली एम्पियर, तो 10 अपान 1 हो जाएगा, 10 अपान 1 इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब आप इस फार्मूले को यूज कर लीजिए, इस फार्मूले को यूज कर लीजिए, आर संट इक्वल टू क्या बोल रहा, आर संट बराबर आर एम अपान यम माइनस 1। अब यम आपको पता चल गई, यम भी पता चल गई, यम कितनी है आपकी, यम आपकी 10 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 27, आपको आर एम पता हुआ, आर एम दिया हुआ है 27, आर एम कितना दिया हुआ है, आर एम 27 दिया हुआ है, आर एम यहाँ से आपने फाइंड कर लिया 27, तो 27 अपान 10 माइनस 1 तो इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27 अपान 9 इक्वल टू 3, 3 ओम आपका निकल आएगा। आर संट पूछा है, संट रेजिस्टेंस पूछा है ना, देखो संट प्रतिरोध, आर संट इसी को बोलते हैं, तो कितना आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संट रेजिस्टेंस कितना पूछा हुआ है, संट रेजिस्टेंस पूछा हुआ कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, हीटिंग तत्व बनाने के लिए, हीटिंग तत्व बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। देखो हीटिंग हम बता रहे हैं कि जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है प्रेस वगैरह में यूज होता है, तो उसके लिए कौन सी सामग्री यूज होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नाइक्रोम मटेरियल। कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, नाइक्रोम मटेरियल यूज करते हैं। आप देखो दिया गया है विद्युत स्त्री के भाग का नाम क्या है, विद्युत स्त्री के भाग का नाम दिया है, यह आपको पर्टिकुलर एरिया दिखाया गया है, इससे पूछा है कि इसका नाम बताइए, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता दें आपको, चाहे याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, ये कौन सी हो गई, ये आपका टॉप कवर हो गया, ये आपका टॉप कवर हो गया, ये आपकी प्रेशर प्लेट हो गई, ये आपकी प्रेशर प्लेट हो गई, ये आपकी प्रेशर प्लेट हो गई, ये आपकी एस्बेस्टस प्लेट हो गई, एस्बेस्टस प्लेट हो गई आपकी, ठीक, ये आपकी कौन सी हो गई, हीटिंग एलिमेंट हो गया, ये आपका हीटिंग एलिमेंट हो गया या हीटिंग मटेरियल हो गया, उसके बाद ये आपकी माइका हो गई, इसको इंसुलेटेड माइका बोलिए या माइका बोलिए, माइका का अभ्रक होता है, इंसुलेशन इंसुलेटेड होता है, तो इंसुलेटेड माइका बोल सकते हो, क्या, इंसुलेटेड माइका, माइका वैसे भी इंसुलेट मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, मतलब कुचालक पदार्थ होता है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होती है, सोयल प्लेट, सोयल प्लेट क्या बोलती है लास्ट में, सोयल प्लेट, सोयल प्लेट, ठीक। तो इसकी आपने करेक्टरिस्टिक देखी कब से, पूरा 1 से लेके 6 तक, सबसे ऊपर कौन होगी, सबसे नीचे कौन होगी, हमने पूरे बताया आपको, सबसे ऊपर कौन होगी, सबसे नीचे कौन होगी, तो आपने देख लिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कि सबसे ऊपर कौन होगा, टॉप कवर होगा, सबसे ऊपर टॉप कवर होगा, तो सबसे नीचे कौन होगा, सोयल प्लेट होगी, कौन सी होगी, सोयल प्लेट, सोयल प्लेट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये क्या है, सोयल प्लेट है, सबसे नीचे की है, सोल प्लेट, इसका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, सोल प्लेट, इसको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बोला हुआ माइक्रो ओवन में स्टीयर, स्टीयर मोटर का क्या कार्य है, स्टीयर मोटर का क्या कार्य है, अंदर ठंडी हवा खींचना, ऊष्मा को समान रखना, और गर्म हवा को बाहर करना, रिवॉल्व एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन आप जानते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीयर, स्टीयर मोटर इन माइक्रो ओवन, ये क्या करती है, ये हमारी रिवोल्ट एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है, स्टीयर मोटर क्या करता है, रोटेट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यू बैंड गीजर, जो आपका यू बैंड दिखा हुआ है गीजर,
देखिए यहाँ पे यू आकृति का दिखा हुआ है, और उसके बाद साथ में यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक वाल्व लगा है, वाल्व टाइप लगा है, क्या लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है, यू बैंड जो आपको हम हमेशा बोलते हैं, फिगर आपको दे देता है, कोई पर्टिकुलर एरिया आपसे पूछ देता है एरिया का क्या नाम है, तो क्या करता है, स्केल के बनने से रोकता है। स्केल के बनने से रोकने के लिए हमारे पास दूसरा सामान है, उसके बाद बोला हुआ है रिड्यूस द प्रेशर ऑफ आउटलेट पाइप, रिड्यूस द प्रेशर ऑफ आउटलेट पाइप, इसका काम ये नहीं, ये काम क्या करता है, ये बोला है रिड्यूस द प्रेशर, ये प्रेशर रिड्यूस करने वाले के लिए हमारे पास निकासी अलग से होता है। रिस्ट्रिक्ट द एयर लुकिंग इनसाइड टैंक, टैंक के अंदर के हवा को लॉक करने के लिए प्रतिबंध करता है, नहीं। बोला है कि गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है, तो यू बैंड अगर हमारा जो बोला है प्रेशर दबाव कम करने के लिए होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला पाइप होता, लेकिन यू बैंड वाला बोला है तो क्या होगा, इसके लिए प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर। देखो इसीलिए इसकी आकृति यू टाइप रखी गई है, क्या करता है, पानी की निकासी को रोकता है, और इसमें एक रोक वाल्व भी नीचे लगाया जाता है, तो ये क्या करता है, पानी की निकासी को रोकता है। यू बैंड क्या करता है, पानी की निकासी को रोकता है, इसीलिए इसे यू शेप दिया जाता है। खाद मिक्सर में किस प्रकार की एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है, देखो हमारी जो फूड मिक्सर होती है, क्या बोला हुआ है, फूड मिक्सर में हमारी कौन सी मोटर यूज होती है, हमेशा यूनिवर्सल मोटर यूज होती है, क्योंकि इसका टार्क भी अधिक होता है। यूनिवर्सल मोटर का हमने बताया था आपको कौन सी होती है, जो एसी डीसी दोनों में काम करती हैं, ऐसी मोटरों को हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। खाद मिक्सर किस प्रकार की होती है, यूनिवर्सल मोटर टाइप की होती है, मतलब हमारा जो खाद मिक्सर मोटर कौन सी यूज होती है, यूनिवर्सल मोटर यूज होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हीटर में मैक्सिमम आउटपुट के लिए कौन सा पोजीशन करेक्ट है, विच इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ हीटर, विच इज द पोजीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर, हीटर में मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए। देखो हम आपको दिखा देते हैं सबकी कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार दिया हुआ है, जो आपके कॉन्ट्रेक्टर हम दिखाए देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में ना आ रहा हो तो इनकी पोजीशन हम ऊपर बनाए दे रहे हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन जो यहाँ इस घेरे की दी हुई है, इनकी जो पोजीशन एरिया है हम सबकी बनाए देते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये पोजीशन इसकी दी हुई है, ये पैरेलल पोजीशन दी हुई है, ये टू वे पोजीशन दिखाई गई है फिर न्यूट्रल के थ्रू, और ये क्या दिखाई गई है, ये अब देखो हमेशा आपने पढ़ा होगा रेडियल सिस्टम और रिंग सिस्टम प्रणाली का, तो यहाँ पे क्या दिखा, देखो आपको यहाँ पे सिर्फ एक सप्लाई के थ्रू, एक फर्स्ट पोजीशन के थ्रू जो है सप्लाई जा रही है, तो हीट तो होगा लेकिन पर्टिकुलर एक एरिया ज़्यादा हीट होगा, एक एरिया कम हीट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, पैरलर दिया हुआ है, पैरलर मतलब बराबर हीट होगा, हमारा जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरे में बराबर होगी। इस केस में क्या दिया हुआ है, फिर से देखो वही चीज़ मतलब दोहरा के दिया है, बस इसमें क्या किया है कि इसको टू वे बनाने की कोशिश किया, लेकिन टू वे बना भी नहीं पाया, अगर टू वे बना ले जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पैरलर कनेक्शन हमारा कौन सा है, पोजीशन टू हमारी सबसे राइट आंसर हो जाएगी, कौन सी, पोजीशन 2, ये दिया हुआ है पोजीशन 2, पोजीशन 2 कहीं पे दिया है, ये देखिए पोजीशन 2, ये स्थिति दिया हुआ है, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं तो वही मैं खोज रहा था, पोजीशन 2 इसकी सबसे राइट स्थिति है, कौन सी है, पोजीशन 2, इस सबसे राइट स्थिति यही है हीटर में अधिकतम आउटपुट के लिए। आउटपुट सब में मिलेगा लेकिन मैक्सिमम आउटपुट मतलब कि जल्द हीट हो जाएगा और अधिक ऊष्मा देगा, उसके लिए कौन सा कनेक्शन करते हैं, हमने आपको जो कनेक्शन दिखाया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जूल के नियम के अनुसार आपको सबको पता है कि H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, आप सब जानते हैं आई स्क्वायर आर टी होता है, तो देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आई आर टी कहाँ, ये तो गलत हो गया, आई स्क्वायर होता है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद बोला है दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, नहीं केवल आई स्क्वायर होता है, हम बार बार बोल रहे हैं। फिर देखो आई आर टी दिया, इसमें स्क्वायर ही नहीं लगाया, इसका फार्मूला होता है इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, बी नंबर सही हो जाएगा, हीट जनरेटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपान जूल कैलोरी, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट 240 वोल्ट वर्क फॉर 5 मिनट, 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें, हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया, हीटर से 5 मिनट के लिए काम किया गया है, सप्लाई वोल्टेज कितनी है आपकी, सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, उसके बाद आपकी पावर कितनी है आपकी 1000 वाट
1000 वाट, इसी को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है टाइम कितना है आपका, टाइम आपका जो मिनट में दिया गया है ना, टाइम आपका क्या दिया गया है मिनट में, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, तो 5 × 60 बराबर कितने हो जाएंगे 300 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि हम जो है सेकंड में निकालेंगे ना, जूल सेकंड में। तो क्या हुआ, अब फार्मूला आपका होता है आप जानते हैं, H = VIT होता है और H = क्या होता है, P × T भी होता है, ठीक। H = P × T होता है ना, फार्मूला आप जानते हैं। तो आपका P कितना है, पावर कितनी है, पावर आपकी कितनी है 1000 है, पावर आपकी कितनी है 1000, टाइम कितना है आपका, टाइम कन्वर्ट कर दिया आपने सेकंड में, टाइम कितना है आपका 300। इनका दोनों का वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं आपका H कितना आ जाएगा, H = आ जाएगा 3, ठीक, ये आ जाएगा। अब ये किसमें है, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, अभी आया है जूल में, अभी किसमें आया है जूल में, अभी आपको क्या चाहिए, आपको किलो में, अगर इसे किलो जूल से मैं कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 300, ये बचेगा 300, ये बचेगा 300, कितना बचा 300। अब हमें आंसर किस में लाना है, हमें आंसर अभी देखो अभी जूल में है, अब ये जूल किलो जूल में आ गया, अभी तक किस में था, जूल में था, कन्वर्ट कर लिए ना हमने 1000 से भाग दे दिया। अभी पूछा है कि ऐसे इसे इसमें ऐसे वाट सेकंड भी बोलते हैं, अगर यहाँ पे वाट सेकंड भी बराबर कर दें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला हुआ है कि हमें ऐसे चाहिए आंसर, हमें चाहिए किलो कैलोरी में, तो किलो कैलोरी में जानते हैं आप पकाने के लिए क्या करेंगे, 4.187 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे इस 300 में 4.187 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 4.187 से भाग दे के आप देख लीजिए कितना आएगा, 71 आ जाएगा आपका, ठीक है, आपका कितना 71 आ जाएगा, ठीक, आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है हीटर बेस में प्लेट विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ग्रुप्स एट वेरियस प्लेस इन हीटर बेस प्लेस, हीटर बेस प्लेस में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है, हीटर बेस प्लेस 209 नंबर दिया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ग्रुप्स एट वेरियस प्लेट इन अ हीटर बेस प्लेट, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है, ऊष्मा को ठीक से विकसित करे, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखे, पात्रों को हीटर पर मजबूती से रखे, हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाए, ये आपका दिया हुआ है। तो देखो व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, हीटर बेस जो बेस होता है हीटर का बेस क्या है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का क्या है, जो आपको उसमें हीटर बेस प्लेट होती है जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है, हीटर बेस में जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है, अभी हीटर का फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बोला हुआ है कि सबसे जो बेस प्लेट है जो खांचे बने हुए होते हैं स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है, तो क्या करते हैं वो उसमें अवयव को दृढ़ता से पकड़ते हैं, हीटिंग एलिमेंट को जो हमारे होते हैं जो खांचे बने हुए होते हैं, जहाँ पे हमारी देखते नहीं है आप हमारी जो स्प्रिंग होती है आपने देखा हो हीटर में, वो हीटर के अंदर जो है प्लग्ड होती मतलब लगी हुई होती है, तो जो खांचे क्यों भाई ये पूछ रहा खांचे क्यों बनाए रहते हैं, तो हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है चटक कर बाहर ना आने पाए, मतलब कहने का मतलब उसके ये है, जैसे आपका हीटर है, हीटर की आपकी जो स्प्रिंग्स होती हैं तो इस तरीके खांचे में सेट हुई होती हैं, खांचे में सब सेट हुई होती हैं, और ये आपका हीटर होता है, ठीक है, और इसमें आपकी स्प्रिंग लगी हुई होती हैं, स्प्रिंग आपकी इसमें लगी हुई होती हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, ठीक है, इंटरकनेक्ट होती हैं, और आप इसे सप्लाई देते हैं, कौन सी सप्लाई देते हैं, जो भी आपके घर की है फेस न्यूट्रल। अब ये बोला हुआ है जो खांचे में क्यों लगाई गई, खांचे में इसलिए लगाई गई हैं कि ये बराबर जो है जो बेस प्लेट है इसमें इसलिए लगाई जाती हैं कि ये चपकी रहें कसे उछल के बाहर ना आने पाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय अवयव को, हीटिंग एलिमेंट यही तो हुआ आपका, यही तो आपका हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट कौन सा, हीटिंग एलिमेंट यही तो है जिसपे आप जिससे आपको हीट मिल रही वही हीटिंग एलिमेंट है। क्या बोलता है ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है, तो एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है, अवयव के लिए कुचालक के रूप में कार्य करता है, प्रोटेक्ट द केतली बेस फ्रॉम डैमेज, बेस को नुकसान से बचाता है, कीप द एलिमेंट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ कंटेनर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केतली। बोला हुआ है विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या काम है, अभी हमने बताया था कि आपके कितने कवर होते हैं, हमने सब बताए थे आपको, है ना, विद्युत प्लेट में बताए थे ना, TP, A, H,
एम एस, ऐसे बताया था ना आपको, ये सबसे नीचे क्या होती है, सोल प्लेट होती है, अभी बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में शायद, ये आपकी माइका होती है वो भी इंसुलेटेड होती है, ये आपकी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ये आपके हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ये आपके हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ये आपकी एस्बेस्टस प्लेस होती है, ये आपकी एस्बेस्टस प्लेट होती है, एस्बेस्टस प्लेट, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस प्लेट होती है, ये आपकी एस्बेस्टस प्लेट होती है, ये आपकी कौन सी होती है, प्रेशर प्लेट होती है, ये आपकी प्रेशर प्लेट होती है, ये आपकी टॉप कवर होती है, ये आपका टॉप कवर होता है, ठीक है, ये आपका टॉप कवर होता है, ये आपका पूरा मतलब हमने स्ट्रक्चर बताया आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विद्युत केतली की बात किया, विद्युत केतली में सोल प्लेट की बात किया है, अभी वहाँ पे हमने ये बताया था, ये आपका स्त्री का बताया था, लेकिन विद्युत केतली में पूछा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हमने जो बता दिया है ये आपको स्त्री का बताया है, लेकिन पूछा हुआ किसका है, विद्युत केतली में हमने अभी ये बताया जो आपको कंस्ट्रक्शन, ये किसका था, ये रस का था, प्रश्न में सोल प्लेट का था, पूछा था नीचे होती, ये पूछा विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या काम है, तो ये क्या करता है, एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है, अवयव के लिए कुचालक के रूप में कार्य करता है, केतली को बेस के नुकसान से बचाए, उसके बाद दिया हुआ है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखे, तो वही चीज़ है जो चीज़ प्रेस में भी है वही चीज़ इसमें भी है, कीप द एलिमेंट इन क्लोज कंटेंट विथ कंटेनर, क्या बोला हुआ, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सोल प्लेट किस केतली में कैसे होती है, जो आपकी कैटल होती है, अभी हमने बताया कैटल आपकी कौन सी होती है, विद्युत केतली, आपने देखी होगी विद्युत केतली होती है, और ये आपकी विद्युत केतली है, अगर समझ लीजिए थोड़ा सा, तो जो पूछा हुआ है सोल प्लेट, सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है, और अवयव को कीप द एलिमेंट क्लोज कॉन्टैक्ट विथ कंटेनर, जो आपका कंटेनर होता है आपका, जैसे इलेक्ट्रिक केतली होती है तो नीचे यहाँ पे होल्डर होता है ना, यहाँ पे होल्डर पे रखते हैं आप केतली, तो क्या होता है यहाँ पे सोल प्लेट होती है, इसके नीचे यहाँ पे सोल प्लेट होती है, जो क्या करता है कंटेनर के निकट संपर्क में बनाता है, किसको बनाता है, जो आपका इलेक्ट्रिक केतली जो होल्डर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखे, और जो अभी हमने आपको बताया था TPHMS वो किसका है, वो प्रेस के केस में होता है, उसका क्वेश्चन भी हमने आज ही कराया, अभी पीछे 4-5 क्वेश्चन पीछे होगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ ये क्लास अच्छी लग रही है, इस क्लास से कुछ जानकारी मिल रही है, तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से इस क्लास से वंचित हैं, ताकि उन सबका भी भला हो सके। फिर मिलते हैं अगले क्लास के में अगले क्वेश्चन के साथ।